Hello students, in today's video we will discuss question number 7 from chapter exponents and powers and exercise 12.1. So question 7 is simplify the following. Okay, first expression दी गई है, ठीक है, इसको simplify करना है second को. तो सबसे पहले first से ही start करते हैं. 25 into t to the power minus 4, 5 to the power minus 3 into 10 t to the power minus 3. ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं, जैसे t है, ओके, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे 25 मतलब 5 दिख रहा है, 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये 5 दिख रहा है, और यहाँ 10 को हम 5 में भी चेंज कर सकते हैं, 2 इंटू 5. तो थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं चीज़ें, ठीक है. 5 स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ आपको पता है ना, कि मुझे यहाँ पे बेस कॉमन बनाना है. पावर अगर, देखिए पावर अलग हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर बेस सेम हो जाए ना, तो फिर आपको पावर जोड़ने में आसानी होगी, इसलिए यहाँ पे बेस को मैं सेम कर रहा हूँ. ठीक है, 2 5 10, ठीक है. अब जो 5 टू दी माइ, अब इसको सीधे एक एक लाइन में इस तरह से लिख देंगे. ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो नीचे नीचे जो दिए गए हैं, 1/a/a की फॉर्म, a/b की जो फॉर्म में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जैसे b को ऊपर लेके आना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना पड़ेगा. ओके, तो 5/5 की पावर माइनस 3 को ऊपर लेके आएंगे, क्या होगा, प्लस हो जाएगी पावर सिंपली. ओके, टी टू द पावर ये भी लिख लेते हैं पहले से, मल्टीप्लाई टी टू द पावर माइनस 4, 2 की पावर माइनस 2, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 2 को तो नीचे ही रहने देते हैं, क्योंकि इसको ऊपर लेके आने का कोई फायदा नहीं है, 5 को ऊपर ले आते हैं, ठीक है. और ये टी टू द पावर माइनस 3 को ऊपर लेके गए, तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और नीचे मैंने क्या छोड़ा था, अभी 2 छोड़ा था, ठीक है. अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, पावर जो है आपस में क्या होती है, जुड़ जाएंगी 5 5 की, 2 + 3 -4 -1, -4 नहीं होगी, ये तो टी की पावर है. ओके, फिर टी की पावर -4 है, ये भी यहाँ पे कॉमन हो जाएगा बेस, +3 आ जाएगी, ठीक है. 2 3 5, 5 में से 1 गया, बचा कितना, 4. ओके, अपॉन 2 तो रहेगा ही, और टी की पावर क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे -4 में से 3 जुड़ जाएगा, -4 में 3 जुड़ेगा, तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी. ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 की पावर 4 को क्या लिखोगे आप, 625/2 टी की पावर -1. सो फाइनली आपका फर्स्ट का आंसर ये है. सेकंड वाला देखते हैं आप, ठीक है. तो यहाँ पे भी हमको बेस अगर कॉमन मिल जाए, तो इसको सिंप्लीफाई करने में थोड़ा इजीनेस हो जाएगी. तो ठीक है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, अब इसको भी थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 5 10. ओके, जब अपने मल्टीप्लाई किया आपस में, देखिए 10 की पावर -5 लिखी है. ओके, मैंने इसको लिख लिया 2 × 5 की पावर -5, तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर दोनों की सेम है, ठीक है. तो अब इसको मैं 2 × -5 × 5 − 5 लिख सकता हूँ, और ये क्या लिखा है, 5³ लिखा है, 5³ क्या होता है, 125. ये 5 × -5, और ये 6 की पावर 6, यहाँ पे इसको भी ब्रेक कर सकते हैं हम, 2 × 3. ओके, 2 की पावर -5 हो जाएगा, 3 की पावर -5, क्योंकि 2 3 6 होता है ना, इसलिए किया है. अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बेस कॉमन करना है, 3 है, ठीक है, 3 है यहाँ पर भी है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 की पावर -5, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी, 3 की पावर +5. फिर 2 दिख रहा है मुझे, 2 के साथ, हाँ नीचे भी एक टर्म है, 2 की पावर -5 इंटू
टू की पावर प्लस फाइव हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। और क्या दिख रहा है मुझे, थ्री टू हो गया, फिर फाइव, देखिए ये ऊपर वाले फाइव और नीचे एक फाइव बचा हुआ है, फाइव की पावर माइनस फाइव ऊपर वाला ऐसे लिख दिया, ठीक है। और नीचे वाला जो माइनस सेवन है पावर, क्या हो जाएगी ऊपर जाके, प्लस सेवन हो जाएगी, ठीक है। अब इजीली बेस कॉमन है, पावर जोड़ देंगे, थ्री की पावर माइनस फाइव प्लस फाइव हो जाएगा, ओके। टू की पावर ये तो ऑलरेडी दे रखा है, माइनस फाइव प्लस फाइव हो जाएगी, फिर फाइव की पावर जो माइनस फाइव प्लस थ्री प्लस सेवन, थ्री की पावर ज़ीरो, टू की पावर ज़ीरो हो जाएगी, माइनस फाइव प्लस फाइव, माइनस फाइव प्लस फाइव ज़ीरो होता है, फिर माइनस फाइव प्लस थ्री कितना होगा, माइनस टू, माइनस टू प्लस सेवन फाइव हो जाएगा, ठीक है। किसी की भी पावर अगर ज़ीरो होगी तो क्या होता है, रिजल्ट हमेशा वन होगा, ठीक है। और फाइव की पावर अगर फाइव है, 3125 होगा, तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, 3125, ओके। ये फाइनल रिजल्ट है आपका। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।